अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अयान। आप देख रहे हैं डिस्कवर विद अयान। तो आज मैं हूँ शुगरान में। यहाँ का जो मौसम है ये आपके सामने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जो है स्नोफॉल कह लें कि हो रही है। और ये बड़ी मतलब तकरीबन रात 2 बजे की शुरू है और अभी जो टाइम है शायद कि कोई 5-6 बज रहे हैं सुबह के। और ओ माई गुडनेस। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो व्लॉग है ये बनाने का मकसद ये था कि इस जो सीज़न था इसमें अभी रात बैठा ही मैं चेक कर रहा था कि ये जो वीक है पूरा इसमें तो स्नो होगी, लेकिन इसके बाद आगे फिर कब आएगी, क्योंकि मैं आगे का प्लान कर रहा था कि कहीं और निकला जाए। लेकिन ये है कि मैंने नारान का गान चेक किया, कलाम और ये शुगरान, ओह माय बैड, तो ये दोनों चेक किए हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस वीक के अलावा आगे जो पूरा मंथ है उसमें सिर्फ 1 या 2 दिन है, वो भी लाइट सी प्रेडिक्शन। तो बात वही आ गई, ये जो हमारा किया दर है हमारे सामने आ रहा है, जो हमने कह लें कि जंगलात के साथ कर रहे हैं, और उसके बाद कंक्रीट वाला जो मामला हम कर रहे हैं जगह जगह पे कंक्रीट और जंगलात का जो कह लें कि बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये उसी का रिजल्ट कह लें कि हमें ये जो कह लें कि एक बहुत बड़े डिजास्टर की सूरत में हमारे सामने आया इस सीजन में। क्योंकि जहां तक मुझे याद है पिछले कोई 15 से 20 सालों में मैंने नहीं देखा कि कोई दिसंबर या जनवरी ऐसा गुजरा हो जिसमें स्नो स्टार्ट ना हुई हो और फिर वो स्टार्ट ही रहती है। तो अभी देख ले, मुझे याद है कि आज 29 जनवरी है और पिछले साल 29 जनवरी को अगर कोई भाई यहाँ पे आए हैं उनको आइडिया होगा कि यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 फुट तक यानी कि मेरे जितनी स्नो यहाँ पे पड़ी हुई थी। और आज जो है ये अभी स्टार्ट हुई है, आगे सिर्फ 2 दिन रहेगी, फिर 2 दिन ब्रेक है, फिर 2 दिन आएगी और उसके बाद जाहिर सी बात है अगर मौसम खुल गया, धूप आती है, तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी। और जैसे जैसे जो है आगे मौसम जाएगा और जाहिर सी बात है आगे फिर गर्मी की तरफ जाएगा और स्नो जो है बात वहीं पे आएगी कि स्नो हमें आगे मिलेगी नहीं, ना ही हमें वही, फिर अगर स्नो नहीं आएगी पहाड़ों पे बर्फ़ नहीं जमेगी, पानी नहीं होगा, और वो सिर्फ इनका ही जो यहाँ के रहायशी हैं उनका मसला मसाइल नहीं, ये फिर पूरे पाकिस्तान का एक मसला बनेगा। लिहाजा खुदा के लिए ये जो है ना मौसमियाती तब्दीलियाँ इसमें आप अपना किरदार अदा करें, ये नहीं कि आप कहें जी उसने ऐसे कर दिया उसने, छोड़े लोगों को, आप अपना किरदार अदा करें कि आप किस हद तक इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, जो माहौल है उसको कोशिश करें कि साजगार बनाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए। इसी तरह जो है ये जो एक डिज़ास्टर चल रहा है वेदर क्लाइमेट की सूरत में, इससे हम बच सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि फिर अगले साल, उससे अगले साल हमें जो जो कुछ देखने को मिलेगा पॉसिबिलिटी है कि वो हम अभी यहाँ पे मतलब सोच भी ना पाए। तो ये थी एक छोटी सी अर्ज, छोटी सी गुजारिश, और अगर आप कह लें कि स्नो को एंजॉय करना चाह रहे हैं इस वीक में संडे तक आ जाए, उसके बाद जो है वो आपको स्नो मिलेगी अल्लाह भला करे अगले कोई है मेरे ख्याल में 23-24 फरवरी की, वो भी बिल्कुल लाइट सी प्रेडिक्शन है। बाकी अल्लाह करे, दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्नो आए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्नो आएगी तो उसमें हम सबकी भलाई है। फिलहाल जी ये जो व्लॉग है इसको करते हैं क्लोज, क्योंकि मुझे काफ़ी कह लें कि ठंड लग रही है। इसी के साथ दें इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।